हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू DCA। सो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप सब बच्चों के साथ कुछ एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंगली, मतलब हर एक बच्चा जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उस ड्यूरेशन में किसी ना किसी स्टेज में आके वो इस क्वेश्चन से आके जरूर, मतलब वो अटक जाता है कि यार ये मैं कैसे करूं। और वो क्वेश्चन क्या है कि भाई हम मैथमेटिक्स में स्पीड कैसे इंप्रूव करें, कॉन्सेप्ट सारे मालूम हैं राइट, और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं रेगुलरली, बट हम स्पीड कैसे इंप्रूव करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है रेगुलरिटी। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सब बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं राइट, कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी मूवी देखी आज, ठीक है, आपने एक मूवी देखी, 2 घंटे की मूवी थी, 2.5 घंटे की मूवी थी, तो आपको मूवी बहुत पसंद आई राइट। अभी होगा क्या कि आपको 2-3 दिन तक तो वो मूवी के जो सीन्स थे वो भी याद रहेंगे, मूवी का सीक्वेंस भी याद रहेगा, डायलॉग्स भी याद रहेगा। होगा क्या, हफ्ते के बाद, महीने के बाद आपको डायलॉग्स भूलने शुरू हो जाएंगे राइट, और आपको सीन्स भी थोड़े से धुंधले धुंधले याद रहने रह जाएंगे। लेकिन अगर आप वही मूवी हर एक हफ्ते के बाद या हर एक 2-3 दिन के बाद अगर आप देखते हो तो होता क्या है, होता ये है कि आपको डायलॉग्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं और आपको उस मूवी के सीन्स भी याद हो जाते हैं कि इसमें अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, इसमें कौन एक्टर कौन सा डायलॉग बोलने वाला है। तो जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूं कि बेटा जो चीज हमारे साथ मूवी के लिए होती है वही चीज हमारे साथ मैथमेटिक्स के लिए भी होती है राइट। बच्चे क्या करते हैं, एक हफ्ता पढ़ेंगे, पूरा जोर लगा के, पूरा जोश होता है, फिर जोश ठंडा हो जाएगा, फिर क्या होगा, एक हफ्ता कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो होता क्या, उसमें एक हफ्ता जो आपने गैप डाल दिया उसमें क्या होगा कि जो आपने एक हफ्ता मेहनत की थी तो उसका 50% एफर्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो बेटा रेगुलरिटी इज द की, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेगुलरिटी इज द की। आपका मूड कर रहा है, आपका मूड नहीं कर रहा है, आपकी तबीयत बहुत बढ़िया है, आपकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, कुछ करो, एटलीस्ट किताब उठा के फॉर्मूले रिवाइज कर लो। तबीयत ठीक नहीं फील कर रहे हो, अच्छे से अच्छा बेटर फील नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है, एटलीस्ट नोट्स उठा के फॉर्मूले रिवाइज कर लो। बट एक भी दिन ऐसा मत जाने दो कि आप किताब ही मत उठाओ। एक दिन चलता है बट एटलीस्ट 2 या 3 दिन का गैप मत आने दो। अगर वो गैप आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट बन जाता है, हमारे माइंड का जो कॉन्शियस लेवल होता है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को लेकर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। वैसा मत होने दीजिए। जो आप मेहनत कर रहे हो इतने टाइम से उसमें 1% भी नेगेटिव इफेक्ट मत आने दीजिए राइट। डेली प्रैक्टिस कीजिए, अगर डेली नहीं हो पा रहा है, अगर गैप आ रहा है तो गैप 1 दिन से ज्यादा मत रखिए, कुछ कीजिए, किताब उठा के एटलीस्ट फॉर्मूला रिवाइज कीजिए राइट। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस, रेगुलरिटी, डेली प्रैक्टिस करनी है बेटा, डेली। और टारगेट लेके चलो कि कितने क्वेश्चंस करने हैं राइट। सेकंड थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब प्लस टू क्लियर कर चुके हैं और दोबारा से पेपर दे रहे हैं एनडीए का 2021 में। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्लस टू में अभी इस वक्त प्लस टू में हैं और वो लोग अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, सिलेबस उनका भी कंप्लीट हुआ नहीं है और उनको प्लस वन भी रिवाइज करनी है, ठीक है। तो बेटा 2 अप्रोच हो सकती है। सबसे पहले तो मतलब आई वुड से कि दिस इज इंपॉर्टेंट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपका कौन सा चैप्टर है जो वीक पॉइंट है, कौन सा चैप्टर जो है वो स्ट्रांग पॉइंट है। तो जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हो बेटा तो आप अपने जो स्ट्रॉन्ग वीक चैप्टर्स हैं उस पे आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डायरेक्टली फुल सिलेबस प्रैक्टिस करना इस स्टेज पे जब हमारे पास पता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, अभी हमारे पास अभी एनडीए 2021 में 4 से 5 महीने पड़े हैं, तो डायरेक्टली इस चीज पे आना आई डोंट थिंक इट इज एडवाइजेबल टू डू राइट। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। करना कैसे है बेटा, एक चैप्टर पकड़िए राइट, उस पे एटलीस्ट 3 से 4 दिन लगाइए राइट। एक चैप्टर पकड़िए उस पे 3 से 4 दिन लगाइए। और करना कैसे, 3 से 4 दिन जब लगा रहे हो, आपने चैप्टर पकड़ा, अगर आपने लेटर से पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू कर रखा है राइट, प्लस वन में कर रखा है, प्लस टू में कर रखा है, तो पहले दिन क्या करना है आपको, पहले आपको उस चैप्टर का जो नोट्स है, जो थ्योरी है, जो फॉर्मूले है वो रिवाइज करने हैं, वो याद करने हैं। वंस दैट इज डन फिर आप अगले 3-4 दिन उन फॉर्मुलो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, चाहे आरएस अग्रवाल फॉलो कर रहे हो, चाहे आरडी शर्मा फॉलो कर रहे हो, व्हाटएवर बुक यू आर फॉलोइंग उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्या करना कैसे है, ऐसा नहीं करना है कि भाई आपने सुबह 9 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने 5 क्वेश्चन किए, ठीक है, फिर आप खाना खाने चले गए,
फिर आप उसके बाद 10:30 बजे आते हो, ठीक है, फिर आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर आपको नोटिफिकेशन आ गई यूट्यूब पे एक वीडियो की, आप वो वीडियो देखने बैठ गए, फिर क्या हुआ, फिर आप 1 बजे दोबारा बैठते हो, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, हुआ क्या, भूख लग गई, लंच करने चले गए, फिर हुआ क्या, आप दोबारा 3:30 बजे आए, आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, हुआ क्या कि उसके बाद किसी फ्रेंड का फोन आ गया, किसी फ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी, उस पर बिजी हो गए हम लोग। बेटा इस चीज को मैं प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं बोलूंगा, प्रॉपर प्रैक्टिस जो होगी वो ये होगी कि आप 9 बजे बैठे सुबह, आप जब बैठे आप एक टारगेट दिमाग में लेके चले कि भाई इस बुक में से मैंने क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करना है। मैं जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूं, आप 40 की जगह 50 कर लीजिए बेटा, से मैंने क्वेश्चन नंबर 21 टू 50 क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करना है, और मैं अपने आप को 1 आवर और 15 मिनट्स दे रहा हूं। टाइमर लगा के बैठिए, मोबाइल से जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, इस तरीके से सॉल्व कीजिए, और जब तक आपकी घड़ी में 10:50 ना हो जाए उठना नहीं है बेटा। इतना सेल्फ डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, अगर नहीं रख सकते हो तो सपना छोड़ दो बेटा, किसी भी एग्जाम में करने का। इस तरीके से चलो और इस ड्यूरेशन को धीरे धीरे करके 2 घंटे 2.5 घंटे तक लेकर जाओ। मैं 2.5 घंटे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका एनडीए का पेपर भी 2.5 घंटे का होगा। अगर 2.5 घंटे तक नहीं लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जो प्रेशर रहेगा वो आपकी प्रिपरेशन को ओवरटेक कर लेगा, और अगर प्रेशर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को ओवरटेक कर लिया तो आप कहीं ना कहीं पे जो आपका पोटेंशियल है परफॉर्म करने का वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे बेटा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ही बेकार तरीका है बेटा। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें से आपको सीखोगे नहीं, बिल्कुल सीखोगे, लेकिन बेटा जितना आप यहां से सीखोगे उसके मुकाबले यहां से नहीं सीख पाओगे, राइट। और जब आपने यहां पर पढ़ाई की है, यहां पर आपने जो प्रैक्टिस कर ली है, तो जो आपके डाउट्स आए थे, ऐसा नहीं करना, देखो करना ऐसे भी नहीं है कि 21 क्वेश्चन किया फिर उसके आंसर आंसर चेक करा, फिर अगर ठीक है तो आगे बढ़ेंगे, अगर ठीक नहीं है तो उसका सोल्यूशन देखा, ऐसे नहीं करना बेटा। पहले 21 टू 50 सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और उनके जो आंसर है वो एक अलग से पेज पे लिख लो 10:15 बजे के बाद। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और आपके पास 10 बजे थे, 15 मिनट बजे हैं, ऐसा नहीं बोलना कि भी मेरे तो सारे अटेम्प्ट हो गए, मैं सोल्यूशन देख कर लेता हूँ। आपके पास बेटा 15 मिनट बचे हैं, अभी आपने खुद को 1.25 घंटा का टाइम दिया था, जो 15 मिनट बचे हैं आपके पास, इनमें से कोई क्वेश्चन बचा है तो उनको दोबारा से ट्राई करो। आई एम टेलिंग यू, अगर आपके यहां पर 8 से 9 क्वेश्चन बचे होंगे तो अगर आप 15 मिनट लगाओगे 2 क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन पे हो जाएंगे बेटा। इस तरीके से प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और पॉजिटिविटी भी आएगी, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है ना। ये सब कर लिया आपने, अब जब आपने आंसर की चेक कर लिया, आपने अपने आपने आपने अपने आंसर की मैच कर ली, उसके बाद क्या करना है बेटा, आंसर की मैच करी, जो क्वेश्चन गलत हुए, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे उनके सोल्यूशन देखो, उनके सोल्यूशन देखो, और फिर सेम डे पे शाम को आफ्टर लेटर से गैप ऑफ 6-7 आवर्स वो जो क्वेश्चन आपसे आपने मिस किए थे उनको दोबारा से प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व नहीं कर पाए थे, जो क्वेश्चन आप यहां पर सॉल्व नहीं कर पाए थे उनको आफ्टर गैप ऑफ 6-7 आवर्स दोबारा से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने कर लिए वो तो आते थे आपको, आपने सीखना क्या था, आपने सीखना ये था कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे, तो अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुए थे आपने उनका सोल्यूशन देख लिया, आप चेक कैसे करोगे कि आपको वो आ गया दोबारा से प्रैक्टिस करके, तो उसको प्रैक्टिस करो। लेटर से मे बी नेक्स्ट डे, अगर शाम को टाइम नहीं है तो नेक्स्ट डे कर लो, नहीं तो सेम डे ट्राई करने की कोशिश करो, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा फुल सिलेबस प्रैक्टिस, फुल सिलेबस प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट बोल लीजिए। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड इस तरीके से बिल्ड होता है कि हम सोच पाते हैं कि भाई अच्छा इसमें यही लग रहा होगा, हमारे पास लिमिटेड फॉर्मूले तो सोचने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेट अस से स्ट्रेट लाइंस की, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइंस की, तो मेरा जो माइंड है ना वो स्ट्रेट लाइंस के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, तो मेरे लिए वो अटेम्प्ट करना आसान रहेगा। लेकिन जब मैं फुल सिलेबस प्रैक्टिस करूंगा तो होगा क्या, एक क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगला क्वेश्चन आ जाएगा कैलकुलस का, अगला क्वेश्चन आ जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा पैराबोला का, अगला क्वेश्चन आ जाएगा फंक्शंस का, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। तो आपके माइंड को लगातार इधर से उधर स्विच करना पड़ेगा, फॉर्मूले इधर से उधर स्विच करने पड़ेंगे माइंड को। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी है, ये आपको करना ही करना है, और ये करना कब है, जब आपका फुल पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए
और एनटीए का जब पेपर होगा उससे एटलीस्ट 45 डेज पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका फिर भी लेटर से 45 डेज तक आपका सिलेबस फिर भी कुछ पेंडिंग है तो एटलीस्ट पार्ट सिलेबस के टेस्ट देने स्टार्ट कीजिए। पूरा सिलेबस नहीं कवर हो रहा तो एटलीस्ट पार्ट सिलेबस के टेस्ट स्टार्ट कर लीजिए। लेटर से अगर आपका प्लस वन पूरा कवर हो चुका है तो पूरा एक टेस्ट प्लस वन का दे दिया, एक असाइनमेंट शीट पकड़ी पूरे जिसमें पूरा प्लस वन का टॉपिक कवर हुआ है वो टेस्ट दे लिया। इस तरीके से प्रैक्टिस करो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राइट। और ये भी करना कैसे है, सेम मेथड से जो मैंने यहां पर बताया है। अगर आपने लेटर से फुल सिलेबस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपने 50 क्वेश्चन उठाए हैं तो अगर 50 क्वेश्चन उठाए हैं तो मैं बोलूंगा अपने आपको 1.5 घंटे टाइम दो, गिव योर सेल्फ 1.5 आवर। अगर आपने 100 क्वेश्चन उठाए हैं तो आई वुड से गिव योर सेल्फ 2.5 आवर्स टू स्टार्ट विद। धीरे धीरे करके हम 120 क्वेश्चन के लिए 2.5 आवर में करने की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे राइट। नेक्स्ट बेटा आई टॉक अबाउट प्रोग्रेस रिपोर्ट। व्हाट डू आई मीन बाय प्रोग्रेस रिपोर्ट इज, इसको समझते हैं। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट से बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बेसिकली होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ठीक है, आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो उसका रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है बेटा, उसको आने में टाइम लगेगा, 3 महीने 4 महीने। अब 3-4 महीने तक अपने आप को मोटिवेट रखना विदाउट एनी आउटपुट, विदाउट एनी रिजल्ट बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए बेटा क्या होता है, उसके लिए होती है हम खुद से अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को मेंटेन करें। करना क्या है उसमें, जैसे मान लीजिए आज मेरे पास है डेट 15th ऑफ अक्टूबर। अगर मान लीजिए आपने यहां पर आज के टाइम यहां पर 2 कॉलम बना लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम। मान लीजिए आपने आज 15th ऑफ अक्टूबर को 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और आपने उसके लिए 90 मिनट्स का टाइम लिया, तो यहां पर आप नोट कर लीजिए राइट। नेक्स्ट यू विल गो ऑन 16th ऑफ अक्टूबर। मान लीजिए आपने यहां पर 35 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और आपने उसके लिए टाइम लिया लेटर से 75 मिनट्स राइट। नेक्स्ट आप 17th ऑफ अक्टूबर पे गए, सेम चीज, आप यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल लेटर से आपने लिख दिया 38 क्वेश्चंस और आपने टाइम लिया लेटर से 80 मिनट्स का। ऐसे करके आप 18th ऑफ अक्टूबर के लिए लिखेंगे कुछ लेटर से क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चंस और टाइम आपने लिया लेटर से 85 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल आप 19th ऑक्टूबर पे जाओगे और मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है कि 19th ऑफ अक्टूबर को आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, आपको टाइम ही नहीं मिला, तो जब आप यहां पर ब्लैंक भरोगे तो कहीं ना कहीं पे बेटा गिल्ट जो है ना दैट विल स्टार्ट किकिंग इन, गिल्ट शुरू होने हो जाएगी कि यार मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, एक दिन मेरा मिस हो रहा है, उसमें 0 आ रहा है। यहां पर ब्लैंक में डाली, यहां पर 0 लिखी है कि मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। जब ये बेटा यहां पर आप 0 लिखोगे ना तो एक तरीके की गिल्ट आनी शुरू हो जाएगी, और अगर वही वो जो गिल्ट है ना वो किसी स्टेज पे जाके आपको मजबूर करेंगे कि आप बैठ कर 1 घंटा पढ़ाई करोगे, और वही चीज एक्स्ट्रा एफर्ट बेटा जी आपको बाकी बच्चों से अलग बनाएगा। तो ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना बेटा, ये 2 तरीके से काम करेगी। एक तरीका, अगर आपका किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आपको वो एक गिल्ट में लेके जाएगा और वो जो गिल्ट है वो आपको फोर्स करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं यार मेरा रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है, मैं उस रिकॉर्ड को खराब ना करूं। दूसरी चीज वो आपको मोटिवेट भी करेगा क्योंकि आपको अपनी डेली की प्रोग्रेस दिख रही है कि मैंने यार इतना प्रैक्टिस किया, मैंने इतना प्रैक्टिस किया। अभी आप सोच के चलो कि अगर आप यही चीज 3 महीने 4 महीने के लिए करते हो, मान लो आपने 40 क्वेश्चन 3 महीने प्रैक्टिस कर लिया, 3 महीने कितने हो गए, 90 दिन। 90 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे 3600 क्वेश्चन बेटा, खुद सोच के देखो, आपको खुद को लगेगा कि यार मैंने 3600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए मैथमेटिक्स के, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। तो इसलिए बेटा ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ये बनाना बहुत जरूरी है राइट। एंड बेटा लास्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूट। इसका मतलब क्या है कि मैंने ये जो 4 पॉइंट्स बोले हैं बेटा, इनको इंप्लीमेंट करो। सिर्फ वीडियो देख के अगली वीडियो पे स्विच मत करो, जो मैंने बोला है इसको एग्जीक्यूट करो। बिकॉज इस पॉइंट के को अगर छोड़ दोगे तो इन सब का बेटा कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, चेयर पे बैठो, टेबल चेयर पे बैठो, किताब उठाओ और काम करना स्टार्ट करो। बेड पे लेटकर वीडियो देखने से एनडीए क्लियर नहीं होगा, काम करने से हुआ बेटा राइट। तो जिस बच्चे ने सपना देखा है एनडीए का, अच्छे पूरा बहुत दृढ़ निश्चय से देखा है, तो वो तो ये कर लेगा नहीं। बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी बच्चे अगली वीडियो पे मूव कर जाएंगे राइट। सो बेटा आई थिंक ये था मेरी तरफ से, जो मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करोगे 3 से 4 महीने के लिए, कम से कम 3 से 4 महीने के लिए, तो डेफिनेटली आपको
मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगी। राइट, थैंक यू सो मच।